देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करने हैं, फिगर जो है वो बनाने हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल की जो डेफिनेशन है वो हम जानते हैं क्या होते हैं इनके, ये किस बेस पर ट्राइंगल को डिवाइड किया जा रहा है, सेकेंड वाला जो था साइड के बेस पर। तो यहाँ पर आइसोसेल्स ट्राइंगल जो है हमारा क्या है, इसके टू साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से साइड हैं एबीसी में, विद एबी इज इक्वल टू एसी, एबी जो है वो एसी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये है ट्राइंगल हमारा, हमने ऐसा ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, ओके। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, द बाइसेक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताया गया पहले भी आपको, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ओके। किसको किसको बाइसेक्ट करता है, बी एंड सी को, और जो बी और सी को बाइसेक्ट करता है वो आपस में इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ, ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिलता है, तो ओ पॉइंट में मिलता है, ठीक है। चलिए बाइसेक्ट करते हैं इसको, देखिए ये बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे करके, और ये भी बाइसेक्ट करता है सी को। बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये ऐसे से बढ़ जा रहा है। तो देखिए ये और ये इक्वल है, और ये इसके, अब चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, पहले जितनी नीड है उसके हिसाब चलते हैं। ओ पर है, करता है तो ओ पर भी कर लिया हमने। यहाँ पे ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन करना है, कर लिया, ठीक है। अब हमें दो चीजें दिखानी है, एक तो कह रहा है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आप दिखाओ, दूसरी चीज कह रहा है कि ए ओ जो है बाइसेक्ट करता है ए को। तो जो हमें फाइंड करना है उस चीज को पहले समझते हैं कि फिगर में क्या करेंगे जिसकी मदद से जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी दिखाना है, मतलब ये और ये इक्वल दिखाना है, ठीक है। ये नीड है, ये इक्वल है नहीं, दिखाना है, ठीक है। दूसरी चीज ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए मतलब ए ओ जो है इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये ऐसे, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर किसी भी, ये भी किसी ट्राइंगल के साइड हैं और ये भी किसी ट्राइंगल के एंगल हैं, तो किसी ट्राइंगल में अगर हमें उनके एंगल इक्वल दिखाने हैं और किसी ट्राइंगल में अगर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखाने हैं, तो हमने यही सीखा है कि कंग्रुएंट्स उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंग्रुएंट्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ओके, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, चलिए पहले हम ओ बी इक्वल टू ओ सी, किसी को भी दिखा सकते हो आप, ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखा दो फिर कंग्रुएंट्स कर लो, या कंग्रुएंट्स जब दिखा रहे हो तभी आप ओ बी इक्वल टू ओ सी कर सकते हो, मेथड कोई भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो चलिए इससे हम ऐसा करते हैं, इस बार ये काम कर लेते हैं कि पहले ओ बी इक्वल टू ओ सी दिखा दे। तो क्या है हमारा, सेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्या है हमारा, ए बी इक्वल टू है ए सी के। तो अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इक्वल वाले साइड, अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए बी के सामने कौन सा है बेटा, एंगल सी है, कौन सा है, एंगल सी है, और ए सी के सामने कौन सा है, एंगल बी है, ठीक है। मैथमेटिकली हम दोनों को टू से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं ये अगले बार में देख लीजिएगा, तो हम टू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब अगर हम टू से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का जो हमें इसका प्रॉफिट होता है कि ये और ये पता चल जाता है कि इक्वल ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों एंगल को लिख सकते हैं, एक तो हमारा ए बी ओ हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा ए बी ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी ओ, दूसरा क्या हो जाएगा, ए ओ सी, चलिए ए बी ओ के क्योंकि बाइसेक्टर है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए ओ बी सी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओ बी सी हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा, ओ सी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ सी बी हो जाएगा। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसकी बात करें जो छोटी वाले ट्रायंगल नीचे है, तो ऊपर में साइड इक्वल था तो अपोजिट एंगल इक्वल, या यहाँ पर एंगल अपोजिट दिख रहा है तो यहाँ पर साइड सामने वाला इक्वल हो जाएगा, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, किसकी वजह से, इस वाली की वजह से, ठीक है, डन। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा प्रूफ हो चुका है, अब हम सेकेंड की ओर चलते हैं। सेकेंड के लिए प्योरली हमें पहले इसको कंग्रुएंट करना पड़ेगा। एक चीज और, हम कंग्रुएंट दिखा देते हैं और वापस बाद में ये लिखते हैं, वो भी सही है, दोनों चीजें सही है, आप कंफ्यूज नहीं होना कहीं पर ऐसा आंसर दिख जाए कि ट्राइंगल के अंदर ले जा करके कर रहा है
कहाँ कन्फ्यूजन होती है ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है, वो भी सही है ये भी सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले इस ट्राइंगल में, सेकेंड के लिए हमें स्पेशली जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड है, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए ओ बी ट्राइंगल, ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, हाँ, इस कॉन्ग्रुएंसी को भी, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ भी तरीका मिल सकता है, किसी भी चीज को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज ए बी इक्वल टू ए सी है, हाँ, लेकिन कंडीशन यही है कि आप जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हो साइड और एंगल सिर्फ आप उसी के लोगे, ना कि कहीं और बाहर चले जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज अभी अभी हमने किया है, ये है हमारा इक्वल साइड गिवेन है, ये गिवेन है, चलिए गिवेन है, हमने लिख लिया। दूसरी चीज है हमारा ए बी ओ, ये भी जस्ट अभी दिखाया है, ए सी ओ, ओके, ये भी हमारा क्लियर है। तीसरी चीज है हमारा, क्या है हमारा, तो ये ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये भी दिखाया, इसकी भी मदद ले सकते हैं, या आप ए ओ ए ओ कॉमन भी दिखा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। तो देखिए ये हो गया हमारा एस ए और एस, तो इन तीनों की मदद से फ्रॉम एस ए एस, एस ए एस, इनकी मदद से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी के, और जहां ये कंग्रुएंट्स हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या, ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल हो गया ओ ए सी के, और जैसे ही ये इक्वल होगा इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी पी सी टी की वजह से हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हैंस क्या लिख सकते हैं, ए ओ ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो जो चीज़ें हैं आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने हैं, और जो और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी मैं साथ साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी जगह कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से पहले का आंसर कंप्लीट हुआ हमारा, अब हम नेक्स्ट आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है,